दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे साउथ इंडियन सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार प्रभास की सभी फिल्मों की लिस्ट। तो आइए देखते हैं इनके सभी फिल्मों के नाम, साथ में बजट और कलेक्शन भी देखने वाले हैं। तो इनकी पहली फिल्म थी ईश्वर, जो कि 11 नवंबर 2002 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म एवरेज थी। दूसरी फिल्म थी दोस्तों राघवेंद्र, जो 28 मार्च 2003 को रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। अगली मूवी थी वर्षम, जो कि 14 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी, कलेक्शन किया था 21 करोड़ का और यह फिल्म इनकी सुपरहिट थी। अगली मूवी थी दोस्तों अदावी रमूडू, जो कि 21 मई 2004 को रिलीज हुई और कलेक्शन किया था 10 करोड़ 90 लाख का और यह फिल्म इनकी डिजास्टर हो गई थी। नेक्स्ट फिल्म थी चक्रम, 25 मार्च 2005 को आई थी और फ्लॉप हुई थी। नेक्स्ट फिल्म थी दोस्तों छत्रपति, जो कि 29 सितंबर 2005 को रिलीज हुई थी। बजट था 12 करोड़ 50 लाख और कलेक्शन किया था 22 करोड़ का और यह फिल्म इनकी सुपरहिट थी। अगली मूवी थी दोस्तों पौर्णमी, जो कि 20 अप्रैल 2004 को आई थी और फ्लॉप हुई थी। नेक्स्ट फिल्म थी योगी, 14 जनवरी 2007 को आई थी, कलेक्शन किया था 25 करोड़ का और यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली मूवी थी दोस्तों मुन्ना, 26 अप्रैल 2007 को आई थी और एवरेज थी। नेक्स्ट फिल्म थी दोस्तों बुज्जी गड़ू, 22 मई 2008 को फिल्म आई थी और फिल्म सेमी हिट थी। अगली मूवी थी दोस्तों इनकी बिल्ला, 3 अप्रैल 2009 को फिल्म आई थी, कलेक्शन किया था 26 करोड़ का और यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली मूवी थी एक निरंजन, 29 अक्टूबर 2009 को आई थी और बिलो एवरेज थी। नेक्स्ट फिल्म थी डार्लिंग, जो कि 23 अप्रैल 2010 को रिलीज हुई थी। बजट था 18 करोड़ का और कलेक्शन किया था 55 करोड़ का और यह फिल्म इनकी सुपरहिट थी। नेक्स्ट फिल्म थी दोस्तों मिस्टर परफेक्ट, 22 अप्रैल 2011 को आई थी। बजट था 16 करोड़ का, इंडिया से कमाई की थी 28 करोड़ के और कलेक्शन किया था 35 करोड़ का और इनकी यह फिल्म सुपरहिट थी। नेक्स्ट फिल्म थी दोस्तों रिबेल, 28 सितंबर 2012 को आई थी। बजट था 50 करोड़ का और कलेक्शन किया था 55 करोड़ का और यह फिल्म हाई बजट ने बनने की वजह से फ्लॉप हो गई थी। अगली मूवी थी मिर्ची, जो कि 8 फरवरी 2013 को आई थी, कलेक्शन किया था 80 करोड़ का और फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली मूवी थी इनकी सबसे बड़ी इनके करियर की बाहुबली द बिगनिंग, 10 जुलाई 2015 को आई थी। बजट था 180 करोड़ का, इंडिया से कलेक्शन किया था 118 करोड़ 50 लाख का, पूरे वर्ल्ड वाइड में कमाए थे 650 करोड़ और यह फिल्म इनकी ब्लॉकबस्टर थी। नेक्स्ट फिल्म थी दोस्तों बाहुबली 2 द कंक्लूजन, 28 अप्रैल 2017 को आई थी। बजट था 250 करोड़ का, इंडिया से कमाए थे 1030 करोड़ 42 लाख, वर्ल्ड वाइड में कमाए थे 1788 करोड़ 6 लाख और यह फिल्म इनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, जो कि इनके करियर की अभी तक की सबसे सफल फिल्म है। अगली मूवी थी दोस्तों इनकी साहो, जो कि 30 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी। बजट था 350 करोड़ का, इंडिया से कमाए थे 310 करोड़ 60 लाख, वर्ल्ड वाइड में कमाए थे 451 करोड़ और यह फिल्म एवरेज थी। नेक्स्ट फिल्म थी दोस्तों इनकी राधे श्याम, जो कि 11 मार्च 2022 को आई थी। बजट था 350 करोड़ का, इंडिया से कमाए थे 120 करोड़, वर्ल्ड वाइड में कमाए थे 214 करोड़ और यह फिल्म इनकी डिजास्टर रही थी। अगली मूवी दोस्तों आदि पुरुष थी, जो कि इसी साल आई थी 16 जून 2023 को। बजट था 700 करोड़ का, इंडिया में कमाए थे 288 करोड़, वर्ल्ड वाइड में कमाए थे 450 करोड़। इस तरह से इनकी यह फिल्म भी डिजास्टर रही। अभी इस साल इनकी फिल्म आने वाली है सल्लार, देखते हैं वहाँ कितना सफल होती है।